सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं तो बढ़िया हूँ। तो भाई अब नीचे का काम शुरू हो रहा है, ऊपर का तो देखो हो ही चुका है ऑलमोस्ट, फिर से प्लस्तर करना है बस, तो ये सारा काम हो जाएगा। तो भाई अभी नीचे से जो सामान है वो लेके आ रहे हैं, यहाँ पर रख रहे हैं, जो ड्रम में रखा हुआ था, नहीं तो फिर लैडर लेके आना पड़ता है, मतलब सीढ़ी। तो उससे बढ़िया है ड्रम पड़ा हुआ था उसका सामान लेके इधर छत में रख रहे हैं। अपना सामान तो रख दिया है और आवाज आ रही होगी आपको देखो नीचे, तो लेके चलता हूँ अभी। ये भी रख दो छत में, ये भी रख दो। पूरा कवर अप कर रखा है तो सुबह सुबह क्या बन रहा है, थोड़ी शोर आ रही होगी तो उसके लिए माफ करना। ओह ये आलू की सब्जी मम्मी ने कल बनाई थी और ये पनीर की सब्जी। हाँ मैं बता दूं किसने बनाई है, किसने बनाई है? किसने बनाई? गोलू ने। गोलू यानी मैं। तो भैया कल रात के टाइम मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था पनीर बनाने की, तो ये पनीर मैंने बनाया, लगा तो अच्छा वैसे पर नमक ज्यादा हो गया है, मम्मी ने तो खाया नहीं, पर मम्मी ने क्योंकि पहले खाना खा लिया था, मैंने बाद में बनाया है क्योंकि ये सब्जी भी बनाई दी थी, तो इसमें नमक इतना ज्यादा हो गया, पर इसमें मिक्स करके मैंने मलाई मिक्स कर दी, फिर पानी वानी सब मिक्स करके बना दिया, पर ये था कि ना इसका जो मसाला है वो सही से भुना नहीं था और भुनाया बहुत टाइम लगा, नहीं तो पनीर बन जाता सही टाइम पे, तो मेरे हिसाब से तो चलो ठीक ही था। मैं अभी चलूं हैं अरे मेरे हाथ अच्छे लगे खा, मैं तुम्हें यार हद कर दिया तुम यार है वो पैकिंग का बढ़ते की एक वीडियो है देखने को बनाया था मैंने। अभी ये रोटियां बन रही हैं सभी को डर लगता है। सो भाई ये चूहा मिला भी ड्रम में से, ये चूहे का बच्चा आंखें खुल गई इसकी, अरे अभी इसके अंदर ही घूम रहा हो, और भी होंगे वो देख रहे हो इसमें, जैसे बनी के बच्चे घूमते ना यहाँ ऐसे घूम रहा है। इसको मैं अंदर ही डाल देता हूँ यार, छोटा सा यार, खुद इसकी माँ ले जाएगी इसको इसमें से। रहे इसी में ये घुस गए, छोटे से बनी के बच्चे जैसे लग रहा है, बेचारे की आँख नहीं खुल रही। हाँ इसको रख देता हूँ, आराम से चूही आएगी और ले जाएगी इसको, यहाँ रख देता हूँ। सो भाई पाइप वाला काम भी हो रहा है जो उस दिन पापा कर रहे थे, पूरा कोई बार से तोड़ रहे हैं इसको, तोड़ के फिर लगाएंगे करेंगे ये फिलवार से उस दिन तोड़ दिया ही, और बाकी इसके अंदर मलवा घुसा हुआ था देख रहे हो, ये इसके अंदर था जबकि लगाना पूरा सीमेंटेड था, तो बहुत पहले का हमने काम करवाया था तो काम वो सही नहीं था, तो अब करेंगे काम सही। तो भाई आपने देखी होगी कि जो जाली लेके आए थे अंकल जी, जो साइड वाले घर से बर्डन बन रहा है ना इधर की साइड, तो एक साइड में क्रैक ज्यादा है, तो जाली लगा के केज लगा के फिर उसमें सीमेंटेड कर देंगे ऊपर से कि उसका लोड नीचे ना आए। एक काम पापा ने और निकाल ही दिया ये वाला, तो ये भी होगा। ये कहाँ से तोड़ा? अच्छा सॉरी सॉरी, ओहो और भाई यहाँ का भी पापा ने देखो ये तोड़ दिया, तो अभी इसको भी यहाँ पर भी सीमेंटेड करना ही है, तो इसमें भी टाइम लगेगा बहुत सारा। वैसे दिक्कत तो ज्यादा यहाँ की भी है, इधर कभी देखते हैं करवाते नहीं करवाते हैं। तो मतलब ये चीज क्यों तोड़ा आपने? वैसे कमजोर है ना, अंदर खोखला है, इसकी आवाज आ रही है खोखला, इसकी आवाज और ये तो वो ठोस है बिल्कुल है, ठोस है और ये आगे आवाज फट जाएगी। टाइल का होता है पूरा खोखला अंदर से, ये देखो आवाज अलग आ रही है तुम्हें, तो एक काम यहाँ पर भी है भाई। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने हाल देखा था उसके बाद यहाँ पे है ऐसा हाल, तो ये पापा ने ही तोड़ रखा है अभी पूरा, फिर दोबारा से ये भी तोड़ दिया। अरे ये देखो इसके मच्छर उछल रहे हैं। आप सब कह रहे होंगे भैया बनी के बच्चों को नहीं दिखा रहे, दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे, अभी जो काम चल रहा है पहले वो दिखाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर भी पापा ने ये चीज भी तोड़ा हल्का सा और ये भी तोड़ दिया हल्का सा, क्योंकि ये बंद करने में हो रही थी दिक्कत, अब हो रहा है देखो। अब ये चीज देखना, इतने तक ये दीवार थी और इसका बंद करने का यहां पर आ रहा है, इतना भी नहीं, यहां से देखो इतना तक आ रहा है, तो सोचो कितना अड़ता होगा। तो अभी देखो टूटने के बाद ये बिल्कुल सही से हो रहा है, तो देखते हैं अभी इसको कितना यहाँ पर करवाएंगे। जाली उसमें लगा रखी उधर की साइड, ये वाली जाली है ना, ये वाली
उस पे टूट रखा था ये पूरा लगा दिया इधर। अब रह गया सिर्फ ये वाला, तो यहाँ पर आपने तोड़ दिए पूरे। अच्छा इधर की साइड यहाँ तो वो ही करेंगे भी, यहाँ पर लेके आएंगे ना ड्रम व्रम से कर देंगे इधर की साइड। नीचे का तो आपने सही तोड़ दिया ही। ऊपर छत में रखा होगा तो दे देता हूँ तसला, क्योंकि जो मलुआ है मलुए को रखना है अलग से, अभी खुलने ही वाली है उसके आगे। तो मिल गया तसले। सो भाई बाहर का तो हो चुका है, अब है अंदर की बारी। जैसे कि मैंने आपको वहाँ का दिखाया था कि वहाँ पर कितने क्रैक्स आ रखे, ये तो है ही, पर वहाँ देखो दिख रहा है क्रैक, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो क्रैक, इसको फिल करना है। तो भैया थोड़ा पूरी तो हो गई है, और अभी पता चला कि साइड वाले घर से ना इधर की साइड बहुत ज्यादा बर्डन आ रहा है उसका, तो गैप है उसमें इतना सा, सोचो उस घर के वजह से इधर जो लोड आ रहा है। अंकल भी कह रहे थे कि भैया यहाँ तो भैया दिक्कत रहा था, तो जरा सेफ्टी से करना पड़ेगा काम। तो चलो अभी मैं अंकल जी को जरा देके आ रहा हूँ। सो भाई जैसे हमने ये वाला खोला छोटा वाला, तो देख रहे हैं यहाँ पर इतना क्रैक आ रखा है यहाँ पर, देखो। दो दिन का जो काम है वो तीसरे दिन में भी आ गया। अब हमने सोचा तो था शायद दो दिन में हो जाएगा, पर पता चल रहा कि भैया अंदर जैसे ही जा रहे हैं तो भैया रिपेयरिंग का काम बढ़ता जा रहा है। तो भाई अब दिखाता हूँ जो टूटा फूटा सारा। तो ये देखो ये पूरा तोड़ दिया, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि क्रैक आ रहा बहुत ज़्यादा, इधर की साइड भी पूरा तोड़ दिया, अंदर की साइड भी, वहाँ पर भी, उधर भी, और भी है भैया यहाँ पर भी कर दिया पूरा ही। ये देखो लास्ट करा इसके अंदर। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, देयर विल बी चांसेस और ज़्यादा हो सकता है अभी। तो आपको जो आवाज़ आ रही है बाहर वो सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं, तो भाई काम तो भैया बढ़ता ही जाएगा। सो भैया ये देखो ये भी सीमेंटेड कर दिया अच्छे से, और ये भी सीमेंटेड कर दिया जिसमें पापा कलाकारी कर रहे थे उस टाइम है मैं लोगों ने सारा काम। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मम्मी फिर से चाय बना रही है, और मैं भी सोच रहा हूँ चाय खा लेता हूँ यार, जो मैंने सही बोला कमेंट करके बताना। अभी का काम तो इतना ही हो रखा है, और आपको तो मैंने पहले भी बोला कि भैया काम बढ़ता जा रहा है, जितना सोचा उससे ज्यादा ही बढ़ता, देखते हैं कब तक होता काम है। ये तो मैंने बताया था इधर और उधर भी कर दिया, और ये वाली जगह रहेगी थी तो इस वाली जगह में भी अच्छे से कर दिया, पूरा सीमेंटेड हो गया। पापा वही मैं अंदर ही जा रहा हूँ, तभी हल्का सा दिखाया मैंने बस ही भूल में क्या यार। सो भाई आज आप सबको मैंने दिखा दिया कि डे 3 में ये काम अभी हुआ है, और अभी तो हम नीचे नहीं पहुंच रखे जहां में नीचे भी मेन काम है, तो उस काम में कल तक पहुंच ही जाएंगे जैसे ही यहां पर पूरा प्लस्तर हो जाएगा और घर के अंदर हल्का फुल्का और रह गया उसमें हो जाएगा। वैसे हमने सोचा था कि शायद 2 दिन के अंदर हो जाएगा, पर 2 दिन नहीं, अभी मेरे हिसाब से 2 दिन और लगेंगे, तो देखते हैं और कितना लगता है। सो आज के ब्लॉग इतने रखते हैं, अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सब भी कुछ। और भैया बताना कि भैया चश्मे में कितना गंदा लग रहा हूँ, तो भैया तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।